सो बी एफ यूटिलिटीज़ का चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है और चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है ये स्टॉक काफ़ी टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक्स ने अंदर अभी आगे बढ़ना स्टार्ट किया है बट स्टॉक्स ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिखाया है 2008 में ये स्टॉक थ्री थाउजेंड रुपीज़ के आसपास हुआ करता था और वहाँ पर वहाँ से आप लोग देखोगे तो 130, 140 तक का इसने लो लगाया था इवन ये लो 2013 में भी लगाया था सो so, अब जिस तरह से स्टॉक के अंदर स्टॉक के अंदर हिलचाल हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक आगे बढ़ रहा है आप लोग देखोगे कि ये जो नाइन हंड्रेड रुपीज़ भी इसने रीक्लेम किया है वो कब रीक्लेम किया है टू थाउजेंड टेन के बाद सो so, चौदह साल का वनवास है ना टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और टू थाउजेंड टेन चौदह साल का वनवास ख़त्म हुआ है अब जैसे ही ऐसा वनवास ख़त्म हो होता है ना कोई स्टॉक के अंदर तो दिवाली आती है दोस्तों है ना मैसिव रैली भी आ सकती है सो so, चार्ट का स्ट्रक्चर अभी देख रहा हूँ चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो चार्ट का स्ट्रक्चर एकदम फैंटास्टिक बना हुआ है कोई प्रॉब्लम है नहीं सो so, मेरे हिसाब से बी एफ यूटिलिटी के अंदर किसी को भी बाउंड डिप्स अगर हमें करना है तो हम ज़रूर से कर सकते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसके अंदर कहाँ पे कौन से लेवल के ऊपर बाय करना है मैं आपको जरूर से बताऊंगा और मैं जिस तरह से बताता हूँ उसी अलोकेशन के साथ किसी को भी प्राइज एक्शन देखना है तो आप जरूर से देख सकते हो और काम करना है तो भी आप जरूर से कर सकते हो सो करंट मार्केट प्राइस जो 950 है यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ से और गिरावट होगी ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ से हमें आने वाले दिनों में 920 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं 920 के आसपास के सो so मेरे हिसाब से 920 के आसपास मेरे हिसाब से आप लोगों को बाइंग स्टार्ट करना चाहिए करेक्ट सो so, 920 के आसपास 20 परसेंट क्वान्टिट्टी आप लोग बाई कीजिए वहाँ से और भी गिरावट होती है तो 880 के आसपास अनदर 20 परसेंट क्वान्टिट्टी भी आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो फिर और भी गिरावट होती है तो 60 परसेंट क्वान्टिटी सिक्सटी परसेंट क्वान्टिटी आपको बाय करना है 840 से 820 के बीच में और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 790 का सो बी एफ यूटिलिटी एवरी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से प्राइज एक्शन आप लोग देखिएगा और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस जो मेंटेन किया है वो स्टॉप लॉस के ऊपर आप काम जरूर से कर सकते हो चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है बाउंड डिप्स कीजिए बट अलोकेशन का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा जिस तरह से बताया है आप लोग जरूर से काम कीजिए यही चीज़ मैं आपको मेरे इंडिकेटर के ऊपर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर किस तरह का सिग्नल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सो बी एफ यूटिलिटी के अंदर चार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह का सिग्नल है थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे हम तो बाय का सिग्नल आया है उसके बाद स्टॉक्स ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है करेक्ट तो यहां पर आप लोग देखोगे तो चार सौ के आसपास आया है और अभी थाउजेंड रुपीज के ऊपर क्रॉस कर दिया है मल्टी बैगर एडवाइस है ना बड़ी टाइम फ्रेम पे बाय का सिग्नल आया पहला बाय का सिग्नल और बैठ गए मल्टी बैगर एडवाइस वीकली चार्ट के ऊपर भी बाय का सिग्नल कंटिन्यू है कोई प्रॉब्लम है नहीं करेक्ट और इवन डेली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी बाय का सिग्नल कंटिन्यू है कोई प्रॉब्लम है नहीं बट बेस्ड ऑन द चार्ट स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन द मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने आपको बताया है बी एफ यूटिलिटी के अंदर प्राइज एक्शन देखिएगा और बाय डिप्स करना है तो आप ज़रूर से बाय डिप्स कर सकते हो पैसा आपको जरूर से मिलेगा देखो दोस्तों सब चार्ट के ऊपर मैं बाय डिप्स करने की एडवाइस नहीं देता हूँ अगर चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है करेक्ट तो ही मैं आपको सही एडवाइस देता हूँ गलत एडवाइस देने में कोई होशियारी है नहीं He care.